इन्फिनिक्स ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स नॉट 40X 5G। और ये स्मार्टफोन 5 अगस्त को लॉन्च होने वाला है अपने इंडिया में। और इसकी जो प्राइस है ये आपको 14,000 से लेकर 16,000 के बीच में मिलने वाला है। इसमें दो तीन रैम वेरियंट भी आने वाले हैं, और इसका जो रैम वेरियंट आएगा उसका अपडेट मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 8 256 GB वाला रैम वेरियंट अवेलेबल है। साथ ही हम इसमें इस प्राइस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिखता है, NFC भी दिखती है, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। वही अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, डिस्प्ले यहाँ पे 6.78 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। ये डिस्प्ले एक पंचोल डिस्प्ले है, और यहाँ पे देखने को मिलता है आपको थोड़े बहुत बेजल से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले यहाँ पे एवरेज है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बेजल तो थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाते हैं साइड साइड में। अगर आपको बेजल ठीक लगते हैं इसकी वजह से, तो आप इसको तब ये ठीक ठाक डिस्प्ले बन जाता है। अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूँ, तो कैमरा यहाँ पे जो बैक साइड है वहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे 1.8 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। वही फ्रंट में हमें 8 MP का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। और इसकी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बैक साइड में जो है 1080p 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग, वहीं फ्रंट में भी आपको 1080p 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं इसके प्रोसेसर सेगमेंट की बात करता हूँ, तो प्रोसेसर यहाँ पे MediaTek Dimensity का 6300 है, जो की एक नया प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है। और इसमें 5G प्रोसेसर होने की वजह से परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज और ठीक ठाक देखने को मिल जाती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस है जो वो मेन हो जाती है। यहाँ पे जो चीजें दी गई वो ठीक ठाक, मतलब एवरेज दी गई है, ज्यादा कोई एकदम तगड़ी भी नहीं दी गई। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में ये सारी चीजें बाकी भी स्मार्टफोन में जो है नहीं मिलती हैं। वहीं इसके साथ हमें जो रैम सेटअप देखने को मिल जाता है 8GB 256GB वाला, वो भी यहाँ पे तगड़ा है। प्लस यहाँ पे 8GB आपको वर्चुअल रैम का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है, एवरेज है। और इसमें जो है ये सारी चीजें 15,000 के आसपास, मतलब 14,000 के आसपास किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती इस हिसाब से। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेंसर है वो देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पे आप ये जो है 5G स्मार्टफोन है, 5G कनेक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, मतलब इनफ बैंड दिए गए, ज्यादा तगड़े भी नहीं, जितनी जिसकी वजह से आपको 5G कनेक्टिविटी अच्छी खासी मिल पाए। 4G तो है ही है। वहीं यहाँ पे ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC सारे ऑप्शन दिए गए। जो इंपॉर्टेंट सेंसर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे जो टाइप सी जो चार्जिंग पोर्ट है, वहाँ पे आपको USB 2.0, मतलब दूसरी जनरेशन का देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। और इस प्रोसेसर में यही देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जिसकी वजह से आप इसको कोई भी टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं, मतलब चला सकते। और इस स्मार्टफोन में हमें कोई भी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। मेन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 5000mAh की बिग बैटरी प्लस 18W की यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और UI की बात करें, तो यहाँ पे हमें एंड्रॉइड वर्जन जो 14 अवेलेबल है, इसके अपडेट हमें मिलेंगे। प्लस यहाँ पे XOX UI है, जो कस्टम UI है इन्फिनिक्स की, वो हमें देखने को मिल जाती है, और उसका वर्जन हमें यहाँ पे 14 देखने को मिल जाता है। अपडेट आने के बाद ये भी अपडेट हो जाएगा। बाकी इसके जो कैमरा सेटअप वगैरह जो दिया गया है वो ठीक ठाक है। बाकी जो चीजें दी गई इसमें भी, वो भी मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है। आप इसे मतलब जब लॉन्च होता है तो कंसिडर कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है ऑफर के साथ यहाँ पे 1-2 हजार और कम हो जाएगा, तो मतलब ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे आता है, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। साथ ही हमें इसमें कोई भी 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से मतलब ये ऑप्शन देना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा रहता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए, जब तक क्लिक की वॉचिंग माई वीडियो।